हाय, मैं हूँ शाहीन हनीफ और आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, हम जिससे प्यार करते हैं, हमसे दूर होते हैं तो थोड़ा सा हर्ट तो रहते हैं, नॉर्मल सी चीज़ है और मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकती। बट मैं आपको ये भी नहीं बोल सकती कि आप लोग ठीक हो क्या हो। मैं समझ पा रही हूँ आपकी फीलिंग क्या है, बिकॉज आई नो दैट लव क्या चीज़ होती है। ठीक है, सो हम इसी के हिसाब से आज मैं कुछ एनर्जी चेक करूँगी पहले, और मैं ये देखूँगी। और दूसरा एक और चीज़, मैं इस कॉइन से येस और नो का लास्ट में आंसर लेने वाली हूँ, तो आप चाहो तो अपने सवाल के जवाब भी आप इसमें से देख सकते हो। कैसे एक चीज़, ये जो एनर्जी है ये स्पेशली इसलिए है कि क्या वो आपको याद करते हैं, क्या आपके अभी भी वो आप उनके माइंड में हो या नहीं। ये है एनर्जी, ये है आपका रीडिंग। ठीक है, बिकॉज इतना हम प्यार करते हैं, वो सामने वाला बंदा आपसे आपको पसंद करता है तो वो आपको आपको क्या याद करता है, वो भी आपका जानने का पूरा हक है। प्यार किया है, टाइम पास तो नहीं किया होगा आपने। सो देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। सो लेट्स स्टार्ट इट। एक सेकंड गाइस, मैं सही से बैठ जाऊँ पहले। ओके, हम आपके लिए एनर्जी निकालते हैं। पहले आप लोगों के माइंड में या जो भी आपकी एनर्जी आती है, पहले आपके लिए देखती हूँ क्या था सिचुएशन, क्या है अभी, क्या चल रहा है। मैं ट्राई करती हूँ आपकी एनर्जी मैच करने की। ओके, सो ये कार्ड्स आपको शो करता है कि कहीं ना कहीं आपने उनको बोला हुआ है कि आई लाइक यू। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने गोस्ट कर दिया है, कहीं ना कहीं इन्होंने ये बोल दिया है कि नहीं, मुझे अभी फ़िलहाल कोई वक्त नहीं है ये शादी वगैरह करना एंड ऑल, इस टाइप की एनर्जी है। ओके, और सेकंड, इसी की वजह से आप कहीं ना कहीं नाराज़ भी थे और कहीं ना कहीं फ़ाइट भी हुआ है। मतलब एक टाइप का हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट ही है, जिससे हम प्यार करते हैं उसे शादी करने की ख्वाहिश कोस की नहीं होगी, मेरी भी है। सिंपल सी बात, हम जिसे प्यार करेंगे, ऐसे मैं भी यही चाहूँगी कि मैं जिससे प्यार करूँगी उसी से शादी हो। हर लड़का लड़की की यही ख्वाहिश होती है, आपकी भी यही ख्वाहिश थी, बट इनके तो कुछ और ही प्लानिंग थे। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, बोलते ना कुछ और प्लानिंग नहीं, यूनिवर्स की कुछ और प्लानिंग थे। देखते हैं और क्या एनर्जी है। सो या बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं अपने काम को लेके बहुत ही ज़्यादा कुछ न्यू स्टार्ट करने वाले होंगे, या फिर कुछ ऐसा जो अपनी जॉब चेंजेस में अपने करियर पे बहुत तरह से फोकस होंगे। कहीं ना कहीं इनको पैसे क्या लेन देन के लिए वो सोच रहे होंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा था कि उस वक्त जब आप लोगों का जो सिचुएशन चलता होगा उस वक्त उनके ऊपर कोई लोन या फिर घर के अंदर कुछ ऐसा फंक्शन या ऐसा कुछ हो जिससे उनको पैसों का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, उनको किसी को पैसे देने का वक्त होगा, तो ये एक एनर्जी पिक हो रही है। और दूसरा, मैं आपको कुछ बताऊं तो उस वक्त आपका सिचुएशन में और कुछ देखूं, बिल्कुल ये बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी है। एक जन ने हाँ बोला है, एक जन ने ना बोल दिया है। ठीक है, यही एनर्जी है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पास हो भी सकता है कि ये चीज़ें अचानक से ये कार्ड्स गिरेगा इस, तो मैं लेने वाली हूँ। कहीं ना कहीं ये फ्रेंड्स जोन में ही रहा है, और फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ये मुझे 18+ की रीडिंग तो नहीं है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट है। आप चाहते थे उनकी तरफ आप बढ़ो, आपके साथ लाइफ पार्टनर के जैसे आप देखें उन, आप आगे बढ़े, लेकिन इनका फ़िलहाल यही था कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट एंड जस्ट इतना ही रहे तो बेहतर है। तो ये आपके लिए एनर्जी सेट होती है, तो आप कंटिन्यू रीडिंग देख सकते हो। ये फ्रेंड्स जोन में ही रिलेशनशिप था, इससे आगे कुछ भी नहीं था। ठीक है, फ्रेंड्स जोन मतलब हो सकता है ना, फ्रेंड्स विद बेनिफिट यू नो वेरी वेल, मतलब सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड ऑल। ठीक है, तो अभी देखते हैं इनके करंट थॉट में क्या है। ठीक है, क्या आपको याद करते भी है या नहीं, बट ये कार्ड्स में चेंज करके भी दूसरे भी कार्ड्स में लेने वाले, देखते हैं क्या कर सकते हैं। मैं स्पेशल लव कार्ड से भी चेक करने वाली हूँ। ओके, बिल्कुल गाइस, इनकी एनर्जी बड़ी सॉलिड है, ये बहुत अकड़ो होंगे, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी इंसान है। पता नहीं आपको पूरी दुनिया में एक ही इंसान मिला क्या। ओके, यस, बिल्कुल, ये आपको बिल्कुल याद करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप इनके माइंड में हो, जरा भी नहीं गए हो, लेकिन ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स विद बेनिफिट ही अभी भी बताता है। इसका मतलब है ये आपसे प्यार करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। इनको खुद को ही नहीं समझ में आता कि आपसे प्यार कर रहे हैं। इनके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शायद ये बारे में सोचना भी सोचेंगे नहीं, फिलहाल के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ याद बड़े करते हैं आपको। आप चाहो तो आपका गुस्सा हटा के आप इनसे बातचीत कर सकते हो, वो आपको बिल्कुल याद करते हैं, लेकिन ये आपको कमिटमेंट अभी नहीं देंगे। साफ लफ्ज़ों में बोल रही हूँ, आपको कमिटमेंट नहीं देंगे।
आप सच में इसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती हो, अपना रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हुए, आप वेट कर सकती हो, लड़का या लड़की आप जो भी हो, जब ये वेट कर सकती हो तो ठीक है, ओके, गो विद द फ्लो, थोड़ा वक्त और वेट कर लो, ये रिलेशनशिप आगे जाके होगा, काम बनेगा आपका, ठीक है। हो सकता है कि शादी तक बात जाए, ठीक है, क्योंकि ये सॉलिडनेस ही, ये यूनिवर्स की तरफ से दिया हुआ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो ये काम बनेंगे आगे आपके। आपको मेडिटेशन वगैरह कंटिन्यू रखना है, आपकी प्रेयर को वगैरह को बिल्कुल ना नहीं बोलना है, आपको बिल्कुल याद किया जा रहा है। और जैसे मैंने बोला था, मैं ज़रूर दूसरे कार्ड से भी चेक करूँगी, इससे हमें कन्फर्मेशन हो जाए कि आपके पार्टनर आपको याद करते भी है या नहीं, या फिर भूल गए हैं, क्योंकि हमें 2 बार कन्फर्मेशन चाहिए, हम इंसान हैं ना, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। यस, बिल्कुल 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 याद करते हैं, बिल्कुल, जस्ट मिनट गाइस, मैं आपको कार्ड्स भी बता दूँ, बिल्कुल याद करते हैं। एक होप है, आप एक इनके लिए तारा हो, एक टमटमाता तारा, ठीक है, तो आपको कौन याद नहीं करेगा यार, आपको ये बार बार माइंड में, बार बार माइंड में आता है, लेकिन ये शादी की वजह से ही, आप कमिटमेंट इशू की वजह से ही बाहर चले गए, आपके साथ मतलब आपसे दूर चले गए हैं, बिल्कुल, ये आपको याद करते हैं, आपको एक टिमटिमाते तारे की जैसे एक होप के लिए देखते, होप वाली फीलिंग है इनकी, तो याद बिल्कुल करते। आप चाहो तो बिल्कुल आप इनको कॉल एंड मैसेज कर सकते हो, बट एज अ फ्रेंड प्लीज़, लास्ट टाइम की जैसे आप इनके ऊपर ज़्यादा भड़क मत जाना, गुस्सा मत करना, वरना फिर से ब्लॉक या कुछ हो जाओगे। चाहो तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह सबसे कहीं, सॉरी इंस्टाग्राम यूट्यूब नहीं बोल सकती, इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, जहाँ से आप कनेक्ट कर पाओ कहीं ना कहीं से। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, हाँ, हो सकता है कि ये 1 मंथ हुआ है, या 3 मंथ हुआ है, या 1 वीक हुआ है, ये बहुत लॉन्ग टाइम से तो बहुत ज़्यादा झगड़ा नहीं हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा लॉन्ग, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन आप लोगों के झगड़े होते हैं ना, फिर से मिल भी जाते हो, ठीक है, यहाँ पे ये है, बार बार ये रिपीटेशन हो रहा है। तो अभी आप जब बात करते हो, अभी आप लोगों का फिर से रियूनियन होने वाला है, इवन आप चाहो तो अभी भी आप कॉल एंड मैसेज उनको कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, रात गई, बात गई, वो बातें ख़त्म हो गई, पर प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू कि अभी इनको कमिटमेंट के लिए मत बोलना, वरना फिर से भाग जाएंगे। ये चीज़ें कमिटमेंट तक जाएगी, लेकिन आगे हो सकता है सितंबर तक आपकी कमिटमेंट तक बात जाए, लेकिन आपको अभी वेट करने की ज़रूरत है, अभी इतनी जल्दबाजी मत करना, वरना आपका रिलेशनशिप यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, ओके। लेकिन हाँ, हमारा सवाल का जवाब था, वो आपको याद करते तो बिल्कुल रिपीटेशन में याद करते हैं, बिल्कुल आपके साथ बिताए हुए हर पल याद किया जाता है आपको। ये कार्ड से एक टाइप का होप कार्ड से, दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड, और मैं एक इस मेरे सामने जो पड़े हुए कार्ड में से कोई एक कार्ड लेती हूँ, तो जस्ट ओके, दिस वन कार्ड्स, ठीक है, ये 2 कार्ड्स मेरे हाथ में आए हैं, और एक और कार्ड्स लूँ तो ओके, दिस इज़ वेरी गुड कार्ड्स, दिस इज़ चैरियट, यस, बिल्कुल, वो आपके साथ हर वो पल बिताना चाहते हैं जो आपने पहले बिताए हुए हैं, ये सच में आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो आपसे दूर नहीं रह सकते, तो प्लीज़ गाइस, आप इनसे बातचीत करिए, अच्छे से बातचीत करिए, जैसे चलता था वैसा भी फिलहाल चलने दीजिए, सितंबर तक वेट करिए, फिर देखो क्या होता है, ठीक है। गाइस, हैव अ गुड गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू, आई होप आप लोग हमेशा ठीक रहो और हेल्पफुल रहो सबको, थैंक यू, बाय बाय, ओके ओके। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में आपका यस और नो का कॉइन लेने वाली हूँ, तो जस्ट प्रे करो और अपने क्वेश्चन का आंसर लो, ये जो भी यस होगा, नो होगा, जो भी होगा यहीं पे पता चल जाएगा, ये क्लियर है आंसर, ठीक है, जस्ट जस्ट अ मिनट गाइस, देखते हैं, ओके, मैं यहाँ पे ही ये कर देती हूँ, आंसर इज नो गाइस, आपका आंसर नो है, ठीक है, सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, हो सकता है आपने किसी ने बोला हो कि मैं अभी कॉल कर दूँ कि अचानक से, तो अभी नहीं, थोड़ा वक्त का वेट करो, शाम तक, रात तक, या 24 आवर्स का वेट करो, अपने आप चीज़ें, आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे अभी कॉल मैसेज करना चाहिए या कुछ वगैरह, तो थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है, उसके बाद अचानक से डिसीजन मत लेना, क्योंकि आप अभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में आके कुछ गलत कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, थोड़ा वेट करना और फिलहाल के लेना है, ठीक है, जो भी आपका आंसर था, और बेस्ट ऑफ लक, आप लोग जब भी बात करो, आई होप आप लोगों का रियूनियन हो जाए, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।